हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो बहुत बार आपने सुना होगा मेरे मुँह से कि मेरा लिंक, तो आखिर मेरा लिंक है क्या? तो चलिए मैं आज आप लोग को यहाँ से बताती हूँ कि कैसे क्या करना है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरा लिंक, बस क्लिक करिए। उसके बाद आप मेरे लिंक पर पहुँच जाएंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च ऑप्शन मिलेगा। सर्च ऑप्शन में आपको जो भी सामान चाहिए उसे सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको लेटेस्ट डिज़ाइन की साड़ियाँ, कुर्ती, बेडशीट, मेकअप के प्रोडक्ट, ज्वेलरी, गिफ्ट आइटम और क्या कहते हैं कि किचन के सामान, आपको सब कुछ मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे से लेके बड़े तक आपको सारे ब्रांड मिलने वाले हैं, वो भी कम प्राइस में। तो चलिए फिर आज आप लोग को सिखाते हैं झटपट वाला शाम का नाश्ता कर सकते हैं, या कभी अगर बोर हो रहे हैं तो बना के खा सकते हैं, बड़ी यम्मी लगता है। पिज़्ज़ा बेस नहीं है घर में, कोई बात नहीं, ब्रेड से भी पिज़्ज़ा बन सकता है। तो आज मैं ब्रेड से कैसे बनाती हूँ पिज़्ज़ा ये आप लोगों को झटपट बता रही हूँ। तो दो ब्रेड का स्लाइस ले लिए हैं और उसमें मैंने लगा दिया है पिज़्ज़ा सॉस, वो जो मार्केट में आता है, और चाहे तो आप लोग घर में भी बना सकते हैं। मेरे पास उसकी सॉस की रेसिपी नहीं है लेकिन आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर। और उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ सेजवान सॉस। तो सेजवान सॉस ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो ही लगाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और अगर बड़ों के लिए बना रहे हैं तो फिर लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे सेजवान सॉस लगाने के बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ प्याज और शिमला मिर्च है वो लगा दिए हैं, और उसके ऊपर लगा दिए हैं भरपूर चीज़, क्योंकि चीज़ के बिना तो पिज़्ज़ा अधूरा अधूरा सा है ना। तो यहाँ पे मैंने लिया है मोज़रेला चीज़ और उसके ऊपर लगा दिया है ब्लैक पेपर। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो ही डालिएगा, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ना तीखा हो जाता है, अजीब सा तीखा रहता है, लेकिन जब थोड़ा सा कुछ खा रहे हैं स्पाइसी तो थोड़ा सा तो होना ही चाहिए ना। और उसके ऊपर मैंने डाल दिया है चिली फ्लेक्स, और बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हल्का सा इस पर नमक डाल दिए थे। नमक अगर नहीं भी डालेंगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि सॉस में होता है, लेकिन मैं ऊपर से डाल देती हूँ। और उसके बाद इसे ढक दीजिएगा 10 मिनट के लिए, और यहाँ पे आपका पिज़्ज़ा तैयार हो गया। तो बस बनाइए, एक बार रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये वाला जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं ये रिक्वेस्टेड था, इसलिए मैं अलग से बना के ऐड कर